कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बार फिर से, देन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। अभी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इससे पहले किया था उसमें इमेज कहां पर बनी थी, एट फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लेकिन अगर इन्फिनिटी का केस आता है तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ पर इमेज बनाई, रियल इमेज बनाई। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसने जो रियल इमेज बनानी है इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें, वो इस आईपीस की फोकल लेंथ पे बनेगी। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनल इमेज कहाँ पर बनानी है, इन्फिनिटी पे। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये जो इमेज बनी वो इसकी फोकल लेंथ पे बनेगी। तो ये क्या है, एफ सी। तो ये इमेज कहाँ पर बनाएगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट है। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम ऐसे बनाए, आई को यहाँ रखें या ना रखें गलत है, एक रे सीधी पास करें, एक रे जो है वो सीधी पास करें यहाँ पे, ये एफ ई है। तो एक रे यहाँ से फोकस में से एफ ई में से एक रे सीधी, बस ये रेड वाला डायग्राम बनाए, ये मत ड्रॉ करें प्लीज, ऐसे ड्रॉ करें, करेक्शन कर लें चाहे फिर से बना लें, ये डायग्राम मार्क करें, ऐसा बनेगा। ठीक है यहां तक? ये डायग्राम है नहीं ना आपकी बुकलेट में, ये है नहीं, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ नहीं है, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी ये बनाओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बुकलेट में बनाओ, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, तो ये डायग्राम बनाओ प्लीज, ये है ही नहीं आपके उसमें डायग्राम, बनाओ इसे। तो इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर बन गया ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में मैग्नीफाइंग पावर में क्या होगा, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे 1 प्लस डी बाई एफ ई था, इनफाइनाइट में 1 प्लस हटा दो, आंसर आ गया, याद करने का क्या सही तरीका है, ठीक है। वैसे इसमें करना क्या है, एम ओ इंटू एम ई करना है, सेम एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आई पीस। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ऑब्जेक्टिव ये रहा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के केस में वो क्या मानता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत करीब है इसकी फोकल लेंथ के, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये माइनस एफ ओ लेता है, तो इमेज कहां पर बनेगी, लेंथ पे, एल वी की जगह एल, स्पेशल केस लिया था ना,
तो वी की जगह एल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और आईपीस के केस में क्या करता है, आईपीस के केस में इमेज बनाता है वो डी पे। अब डी क्या होगा, जहां ये इमेज बनेगी उसको डी बोलते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, डी का मतलब कहीं तो इमेज बनेगी जहां पर उसको दिखाई दे रही है उसको डी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एफई, डिवाइडेड बाय एफई। तो ये आपकी मैग्निफिकेशन है, इसका तो शायद केस नहीं आएगा, पर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो 1 प्लस डी अपॉन एफई में से 1 प्लस हटा देना, ये मैग्निफिकेशन है, बस ये याद रखना। इसका ज्यादातर केस मेरे को लगता है कि इसका न्यूमेरिकल ही आना चाहिए, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा कर लेंगे, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल, पर फॉर्मूला नोट करते जाएं।